तो अभी मैं कट करने वाली हूँ ये फ्रूट, ये कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है या कस्टर्ड फ्रूट बोला जाता है इसे। और इसे मैं बचपन में बहुत खाती थी और इसे मैं शरीफा कहती थी। पता नहीं इसे सीताफल भी कहा जाता है, हर जगह इसका अपना अपना नाम है। और ये देखने में बड़ा अमेजिंग लगता है मुझे, और इसका आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और मैं इसे अभी कटिंग करूँगी और खाने वाली हूँ। मैं अंदर से भी इसे दिखाऊंगी ये किस तरह का है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं ये वीडियो ज़रूर देखेंगे पूरा। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का है अंदर से। तो ये वाला सबसे बड़ा है साइज़ में, या ये बड़ा मुझे लग रहा है, ये बड़ा सबसे ज़्यादा। और मुझे ये पका हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जब ये पकता है ना तो ये चीज़ में गैपिंग आने लगती है। ये भी है लेकिन इसमें आप देखिए कि गैपिंग कितना ज़्यादा आ गई है ना। तो इधर का ये चीज़ पोर्शन छोटा है, इस तरह का है, लेकिन इधर गैपिंग ज़्यादा। तो इसी को मैं खोलती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा है, ये मीठा है कि नहीं। और ये मुझे मिला है 150 रुपीज़ किलो, तो थोड़ा हार्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत सॉफ्ट है तुरंत ओपन हो जाए। पर छुरी इसमें नहीं लगाते, इसको इसी तरह से हाथ से ही ओपन करते हैं। आई थिंक ये खुलने वाला नहीं है, इट्स सो हार्ड। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, ये वाला ओपन करती हूँ। वो बहुत हार्ड था, मुझसे खुल नहीं रहा है। तो ये वाला लगता है इसमें छुरी लगाना पड़ जाएगा। ओहो, ये बहुत हार्ड कैसे है, इतना तो हार्ड होता नहीं था ये। इट्स सो हार्ड, कोई भी नहीं खुल रहा, तो मुझे छुरी लाना पड़ेगा। तो ये मैंने लेते आया नाइफ और इसको मैं कट करती हूँ। देख सकते हैं ये कितना हार्ड है, ये इतना शार्प नाइफ भी इसमें स्लोली जा रहा है। वाओ, ये अंदर से कुछ इस तरह का निकला है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा वाला ये कस्टर्ड एप्पल लिया है, आज मैं फर्स्ट टाइम इसे टेस्ट भी करूँगी। और जो छोटे वाले नॉर्मल वाले आते हैं ना, वो तो मैंने हमेशा खाया और वो बस हाथ से टच करो और वो कट जाते हैं। इनका थोड़ा अलग ही मिजाज लग रहा है मुझे। ये नाइफ इस तरह से मैं डाल के, ओ बहुत हार्ड है ये, अंदर से भी हार्ड है। ये अंदर से भी ये बिल्कुल एप्पल जैसा है, ऐसा नहीं कि ये शरीफा जितना सॉफ्ट है। तो चलिए इसे मैं खा के बाद देखती हूँ कि ये कैसा लगता है मुझे। ये बिल्कुल भी वैसा टेस्टी नहीं लग रहा मुझे जैसा कि भैया होता है, और ये बहुत कड़ा है अंदर से। टेस्ट सेम है वैसा ही, लेकिन ये बिल्कुल अमरूद जैसा है, खच खच। और जो नॉर्मल जो आता है देसी, जो कि मुझे लगता है ये इंडियन नहीं है, ये कोई एक्सपोर्टेड मटेरियल है, टेस्ट इसका बिल्कुल भी वैसा ही है टेस्ट, लेकिन ये थोड़ा अमरूद जैसा, सेब जैसा ये अंदर से मुझे काट के खाने में। और जो सॉफ्ट सा, गुई सा, पल्पी सा जो कस्टर्ड एप्पल रहता है, वो उस तरह का ये नहीं है। और दिल्ली में बहुत मिल रहा है, तो मैं राय दूंगी कि आप देख कर लें। और मैं तो बड़ी हैप्पी थी कि मैं आज खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पर मैं भी डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये थी इसकी रिव्यू।